हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल एंड डाइन। मैं शिल्पी एंड आज आपके साथ मैं पनीर टिक्के की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको तवे पर बनाया है, कोई अवन माइक्रोवेव या तंदूर का यूज नहीं किया है एंड इसमें मसाले भी बहुत कम डले हुए हैं, तो ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में कट करके रख लिया है, एक शिमला मिर्च स्क्वायर में कटा हुआ, एक प्याज स्क्वायर में कटा हुआ, दो बड़े चम्मच दही, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच बड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक छोटा चम्मच खटाई, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च लिए है, आप यहाँ कलर भी ऐड कर सकते हैं, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है, बॉल में दही को ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, मैंने यहाँ बाजार का लिया है, आप यहाँ फ्रेश भी इसको बना सकते हैं घर पर। 1 पिंच नमक, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च, मैंने कश्मीरी मिर्च को थोड़ा ज्यादा ऐड किया है क्योंकि मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया है, अगर आप कलर डालेंगे तो बहुत ही कम डालना है, 1 पिंच बस, क्योंकि कलर बहुत आता है। अब इसमें हम खटाई डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल का फ्लेवर पनीर टिक्के में बहुत अच्छा आता है। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मैरिनेशन रेडी है। ये पीसेस को अब हम डालेंगे इसमें। जो भी मैरिनेशन है वो पनीर पर अच्छे से हमें कोट करना है, इसके लिए हम हल्के हाथ से ही इस पे कोट करेंगे बिकॉज पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। अगर इसको हम हार्डली करेंगे तो पनीर के पीसेस टूट जाएंगे और मैरिनेशन भी अच्छे से कोट नहीं होगा। मैरिनेशन पूरा अच्छे से कोट हो गया है पनीर पर। अब इसको हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अभी अगर ठंडी है तो आपको इसमें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, इसे हम आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। जितने देर तक मैरिनेशन फ्रिज में रखा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। आधा घंटा मेरा हो गया है, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसको स्टिक्स पे लगाऊंगी। ये स्टिक्स का ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं, मैंने बस इसलिए स्टिक्स को यूज किया है क्योंकि स्टिक्स के साथ इसको पलटना बहुत हैंडी हो जाता है, इजिली पलट सकते हैं इसको। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप सीधा इसको तवे पर डालकर इसको फ्राई कर सकते हैं। अब ऐसे में पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को लगाकर अपनी स्टिक्स को इनको रेडी कर लूंगी। रेडी हो गई है, बाकी हम सभी स्टिक्स को ऐसे रेडी करके रख लेंगे। अब इसको हमें शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म होने के लिए रखा है। अब इसमें हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम स्टिक्स को रख देंगे और इनको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई मतलब हल्का सा हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसको हमें अलटते पलटते रहना है जिससे कि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए और मैरिनेशन पूरा अच्छे से कोट हो जाए पनीर पर। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि पनीर पर जो ये मैरिनेशन है ब्राउन होने लगे। इसको पकने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं और इसको हमें जो पकाना है वो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो पनीर जल जाएगा बिकॉज पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। इसको बस आपको पलटते रहना है। स्टिक्स बस इसीलिए हैंडी होती हैं कि वो आराम से पलटी जाती हैं। वैसे प्रॉब्लम तवे पर अगर आप डाल के करेंगे तो आप स्पैचुला की हेल्प से उसको पलट सकते हैं। आप देखिए कि पनीर हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, इसका मतलब कि ये हमारे पनीर टिक्का रेडी है। अब इसको हम सर्व के लिए निकाल लेते हैं। पनीर टिक्का हमारा रेडी है दोस्तों। तो अब मैंने इसको गार्निशिंग के लिए इस पे मैंने धनिया को स्प्रिंकल कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी थी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हो और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, इससे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू।